है जहाँ पे बहुत पत्थर वगैरह रहते हैं, ठीक है। इस बार हम बताते हैं नंबर टू, टेम्परेचर, रेनफॉल, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड डायरेक्शन ऑफ द वाइन। टेम्परेचर कहने का मतलब जो वेदर होता है हमारा, ग्राउंड ठंडा, ये सब। रेनफॉल यानी कि बहुत गर्मी के कारण हमारे वर्षा आती है, और वर्षा आने के साथ साथ वो तेज हवाएं भी लेके आती है, तो वो होती है डायरेक्शन ऑफ द वाइन। अब हम आता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर कहने का मतलब है जब हम लोग ग्लोब पे देखते हैं तो ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन जाती है, दिस आर इक्वेटर। और इक्वेटर से जैसे डिस्टेंस बढ़ता है क्या होता है, वहां से ठंडक ज्यादा आती है, हम लोग इसके पास तो गर्मी होगा, दूर जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे यहाँ ठंड बढ़ेगी, तो इसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब आता है हम लोग इसके सीजन, सीजन ऑफ द इंडिया, यानी हमारे इंडिया में मेनली तीन सीजन होते हैं, थ्री मेन सीजन, दीज आर समर, विंटर एंड मानसून। और इसके अलावा सब सीजन होते हैं जो कि हमारा ऑटोमन है, स्प्रिंग होता है। अब आते हैं सीजन से, समर सीजन देखें, सबसे पहले शुरू होता है हमारा मिडिल ऑफ मार्च टू द लास्ट जून, यानी कि आखिरी जून तक जाता है। इस सीजन में सबसे ज्यादा हम लोग मौसम कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट, यानी बहुत ज्यादा गर्म रहता है। हॉटेस्ट मंथ इसमें से सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है वो हमारा मई और जून होता है। इसके अलावा इन दिनों में यानी कि हॉटेस्ट एंड ड्राई मंथ, बहुत सूखे और तेज हवाएं चलती है, जिसे हम लोग लू भी लू कहते हैं, लू का नाम देते हैं। इसके अलावा समुद्र तट के पास का क्षेत्र होते हैं, वहां से उड़ने वाली हवा होती है, उसे हम लोग वाइन ब्रीज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा गर्मियों में होने वाले फल और सब्जियां, आपको सबको पता है कि फलों में हमारा आम, लीची, ये सब आता है, सब्जियों में लेस फिंगर, गौर, ये सब देखते हैं, बिटर गौर। उसके अलावा हम लोग आते हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन हमारा शुरू होता है मिडिल मार्च यानी नवंबर, यानी नवंबर के बीच से शुरू होकर वो लास्ट फरवरी तक जाता है। और इसका कोल्डेस्ट मंथ हमारा क्या कहलाता है, दिसंबर और जनवरी। इसके अलावा इसमें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहने का मतलब पश्चिम से उठने वाली हवाएं, जो हवाएं है उसके कारण हमारे यहाँ रेनफॉल देखा जाता है, ठीक है। रेनफॉल कहने का, रेनफॉल यानी कि बारिश होती है इन द प्लेन्स, यानी कि जो समतल एरिया होता है वहां पे, जिसके कारण कहीं पे आपको स्नोफॉल, कहीं आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी जो कि हमारे पहाड़ों पर होती है। इसके अलावा जो ठंड के मौसम में वर्षा जो कि बहुत कम सुनने के मिलता है, वो हमको इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया यानी तमिलनाडु में देखने को मिलता हैवी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ से इस समय मानसून हमारा खत्म होता रहता है, इसलिए यहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने को हम लोग को मिलता है इन द विंटर सीजन। नंबर थर्ड हम लोग आते हैं मानसून सीजन। मानसून सीजन हमारा स्टार्ट होता है जून से लेकर सितंबर तक, जिसमें कि कभी कभी हम लोग को बहुत ज्यादा बरसात देखने को मिलता है। इस समय जो हमारा वेदर होता है वो बहुत ही मॉडरेट एंड सुधा पहाड़ मौसम रहता है। इसके अलावा इसमें देखते हैं कि हम लोग को कहीं पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा, जिसके कारण हम लोग को फ्लड लाइक डेट हमारा बिहार, जो कि हर साल ऐसे जूझता है। इसके अलावा बहुत कम वर्षा कहीं देखने को मिलता है, जैसे कि जिसके कारण हम लोग क्या होता है, सूखा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब हम लोग एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं यानी कि सालाना वर्षा की बात करते हैं, तो मेघालय में सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, और सबसे कम हमारा राजस्थान में 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। अब नेक्स्ट काम पूरा ऑटोमन सीजन, ऑटोमन एंड स्प्रिंग सीजन। ऑटोमन यानी कहने का मतलब हमारा ऑटोमन जैसे सब आर करता है, ऑटोमन स्टार्ट होता है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, और इसे हम लोग कहते हैं नोन एज द सीजन ऑफ फेस्टिवल। सीजन ऑफ फेस्टिवल कहने का मतलब जितने भी हमारे त्यौहार, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, वो सारा हमारे इसी सीजन में देखा जाता है, जिसकी में। और इसके अलावा जो लोग होते हैं पिकनिक पे, घूमने के लिए, पार्टी वगैरह या फिर शादी कहते हैं, हम लोग को इसी मौसम में देखने को मिलता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं द सीजन ऑफ फेस्टिवल। अब हमारा लास्ट आता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जो कि शुरू होता है हमारा आफ्टर विंटर, ठंड के मौसम कहते हैं फरवरी के बाद, जो कि जिसे हम लोग कहा जाता है किंग ऑफ सीजन। किंग ऑफ सीजन कहने का मतलब इसलिए है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारा इसमें जो मौसम होता है बहुत सुहाना होता है, इसमें लोग बाहर पिकनिक के लिए जाते हैं, पार्टी से जाते हैं। इसके अलावा देखते हैं हर जगह, हर पेड़ पे जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिरकर नए नए पत्ते और फूल खिलते रहते हैं, फ्रेश फ्लावर ब्लूम एवरी वे, यानी हर जगह हम लोग को बहुत अच्छे सारे फूल खिले दिखते हैं। सो दिस आर समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज द क्लाइमेट ऑफ सीजन। सो यू विल रेड एंड लव। थैंक यू।